Yeah, man. दिखाई क्यों नहीं दे रहे मिस्टर मलिक? मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक, ठीक तो है ना? कैसा लग रहा हूँ? मतलब अब सेफ तो है ना? सेफ मतलब? हाँ मतलब आप पानी में गिर गए थे तो मुझे लगा कि... गिरा नहीं था मैं खुद कूदा था, ठीक है ना, ताकि मैं आपकी इस बकबक से बच जाऊं। लेकिन देखिए मेरी किस्मत कितनी खराब है कि पानी गहरा नहीं है और अंदर तक आपकी आवाज आ रही थी। यहाँ तक की मछलियां भी पूछ रही थी मुझसे कि कौन है ये जो बकबक किए जा रही है। अच्छा जी, एक्चुअली ना आप उल्टा बोल रहे हैं मिस्टर मलिक। मछलियां मुझे आवाज दे रही थी और पूछ रही थी कि किसको भेजा है अंदर ये मगरमच्छ जैसा आदमी। अपने बॉस से ऐसे बात करेंगी आप? शुरू किसने किया? शुरू तो आपने ही किया है तारा मैम, लेकिन आपको याद नहीं है। खैर जाने दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए। डॉल्फिन तो हूं, कैसे उछल कर आ जाऊंगा, इंसान थोड़ी मेहनत लगेगी। आइए आपकी मदद करती हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि आप मुझे ऊपर खींच सकती हैं? अंडरएस्टिमेट मत कीजिए मिस्टर मलिक, भूलिए मत कि हर डूबते को ना तिनके का ही सहारा होता है। बिल्कुल सही कहा तारा मैम, आप दिखती भी तिनके जैसी ही हैं। अब इसमें मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं कितना हट्टा कट्टा 6 फीट का, और आपको देखिए शुरू होते ही खत्म, आप नहीं खींच पाएंगे। मतलब पहले ह्यूमिलिएशन और अभी बॉडी शेमिंग भी। अच्छी तरक्की कर रहे हैं आप मिस्टर मलिक, वाह। इनफ मिस्टर मलिक, अब आप मुझे अनकंफर्टेबल भी कर रहे हैं। तारा मैं अपने गीले कपड़े उतार रहा हूँ। अरे तो मैं भी हूँ ना यहाँ पर। हाँ तो आप कहीं क्यों यहाँ पर, और बुलाया किसने आपको? पर आप बाद में भी तो कर सकते हैं ना। शायद आप बड़े लोग नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोग गीले कपड़ों में बीमार हो जाते हैं, और आप यही चाहती हैं कि मैं बीमार हो जाऊं और आपको छुट्टी लेने का बहाना मिल जाए। एक सेकंड, मतलब बीमार आप पड़ेंगे और छुट्टी मैं लूंगी? जी तारा मैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या कर रहे हैं आप? सब आपके चक्कर में हुआ है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे मतलब? क्या कर रहे हो तुम ये? सॉरी बोलने आई हो? हाँ वो भी ऐसे, मैंने बोला था ना कि दुग्गल खानदान की होने वाली बहू हो, सो इट्स बेटर टू बिहेव लाइक अ बहू। ये क्या पहन के आई हो? हाँ अपने वॉलेट को मुझे दिखाना था या फिर अपनी इस ड्रेस को जिसमें सब दिख रहा है? ये क्या बोलने जा रहे हो तुम? इट्स माय पार्टी आउटफिट। पार्टी आउटफिट अपने को अच्छा दिखाने के लिए या फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए? क्या बोल रहे हो? मैं तो फोटोज बस... देखी थी मैंने तुम्हारी लड़कों के साथ ड्रिंक करते हुए, और देखा था मैंने कैसे हल्दी वाले फंक्शन में मेरे फ्रेंड्स को देखकर मजे ले रही थी तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्तों के लिए तैयार हुई हो, कोई पसंद तो नहीं आ गया उनमें से? क्योंकि तो मुझे तो ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। Just shut up! How sick of you! नेटवर्क भी नहीं है यहां पर,
तो किसने कहा था आपको यहाँ आकर बैठने को? और अगर बैठे थे तो कम से कम अपनी बोट तो बांध कर रखते ना। मैं मेरी हवेली है, मेरी नाव है, मेरी मर्जी है, जहाँ जी चाहे वहाँ जाऊंगा। आप होती कौन है रोकने वाली पहली बात? और आप आए क्यों यहाँ पर? आपको तो अपनी बहन की शादी में होना चाहिए था ना, नाचना चाहिए था, गाना चाहिए था। क्या कर रही है यहाँ पर? क्या कर रही थी मैं मिस्टर मलिक? यही कर रही थी ना। पर आपको मजा आता है ना मुझे तंग करने में? पहले आपको हाथ से लिखे हुए पेपर्स चाहिए, फिर पेपर्स दे दिए तो आपको उस पर हल्दी नहीं चाहिए। पेपर्स मैंने यहाँ मंगाए थे आपसे। नहीं ना, और अपनी चपर चपर बंद कीजिएगा तो कुछ सोचूंगा, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये नाव। अब मुझे ही जाके लेके आना होगा, क्योंकि आप तो। मैं भी जा सकती हूँ। अच्छा हाँ, तो प्लीज जाइए ना। ठीक है, जा रही हूँ। एक सेकंड, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पानी कितना गहरा है, क्योंकि आप गए थे तो आपको पता होगा। तारा मैम, यही कोई 15-20 फीट होगा बस। आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छी स्विमर भी होंगी। हाँ तो हूँ, और करूंगी ही। ठीक है, जा रही हूँ। मैं जा सकती हूँ मिस्टर मलिक, लेकिन नहीं जाऊँ, क्योंकि वोट आपकी वजह से गई है ना। आप ही जाएंगे और आप ही वापस लेकर आएंगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे पता था। बिल्कुल तारा मैम, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? हाँ, एक तो घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, ऊपर से आ गई ये घटिया ड्रेस पहन के। अब अगर दिखाई रही हो तो पूरा दिखाओ। थैंक यू। अरे संभालिए मिस्टर मलिक, गिर जाती मैं। मैं आराम से नाव पलट जाएगी। पकड़िए ढंग से। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मलिक? हाँ, मतलब अकेली लड़की को देखा तो मौका देखकर चांस मार रहे हैं। आपकी आपकी सोच को ना अच्छी तरह समझ चुकी हूं, आप मुझ पर ट्राई मत कीजिए। आपकी हेल्प कर रहा था, मुझे नहीं लगता ना कि आप इन कपड़ों में नाव में आ सकती। डिसाइड कर लीजिए, करना क्या है, रात भर यहीं रुकना है या यहां से निकलना है? रुकिए। गिर जाऊंगी। फाइन, कीजिए मदद। बहुत हाल हो गया है तो। बचाओ कोई, तारा नहीं, प्लीज परस, प्लीज जाने दो, मुझे मत करो, प्लीज प्लीज परस, प्लीज परस, प्लीज परस। जो सवाल आप मेरे पास लेकर आई थी तारा मैम, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। आपके कमरे के बाहर मैं नहीं था। मिस्टर मलिक, जो मैंने सुना है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? कभी कभी कान से सुना सच पूरा सच नहीं होता तारा मैम। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल की आवाज सुनिए, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा।
जैसा आपने कहा था हवेली के कुछ कमरों को हमने साफ सफाई करके पेंट करवा दिया। आपने किसी और को देखा था क्या आपने से प्रेम? हाँ वो एक्चुअली मैंने यहाँ से मिस्टर मलिक को जाते हुए देखा। कहीं आप कपड़े वपड़े तो नहीं बदल रही थी? पलाश मलिक, मुझे जल्दी हवेली वापस जाना, प्लीज जल्दी जल्दी। ये गलत कैसे हो सकते? जल्दी चलिए प्लीज मिस्टर मलिक। चला रहा हूं तारा मैम। बहुत शौक है ना तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने का? आज मैं बताता हूँ कि ऐसी लड़कियों के साथ क्या होना चाहिए। बस बस मत आओ प्लीज। मिस्टर मलिक जल्दी चला लाइए, मुझे दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ। वरना वरना क्या क्या करोगी? क्या करोगी वरना? तारा मैम हुआ क्या? तारा मैम हुआ क्या? अजब लड़की है, कभी बोलती है तो चुप नहीं होती और कभी कुछ बोलती ही नहीं है। पापा, पापा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओ तो अब साली साहिबा तुम्हें बचाएगी। हाँ मेरी बहन की तरफ आज के बाद आंख उठाकर भी देखा ना तुमने पलाश, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार जो आगे बढ़े तो। सोचा नहीं था कि मछली खुद ब खुद जाल में फंस जाएगी। एक के साथ शादी और दूसरी के साथ सुहागरा, मजा आएगा। मेरे दोस्तों को तो तुम पहले ही पसंद थी, इनकी असली पार्टी तो अब होगी। पकड़ इधर, छोड़ो मुझे।
साहिबा, आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे पलाश, छोड़ो। बादशाह, तू यहां क्या कर रहा है? बादशाह इधर आ। क्या हो भाई? बादशाह क्या हो गया? हाँ, आज सिर्फ मैं और तुम। चेहरा बचा के साली साहिबा, मेरी शादी है कल। कहाँ जा रही हो साली साहिबा? प्लीज छोड़ो।